सो सबसे पहले आप लोग मेरे डिस्प्ले पे देख लो कुछ चल रहा है, ठीक है, एंड उसको अच्छे से फॉलो करो, एंड मैं कैसा हेडशॉट मार रहा हूँ वो देखो। तो ये तो बता देता हूँ, आप लोग बहुत सारा वीडियो देख चुके हो कि हेडशॉट नहीं लग रहा है आपका, फिर भी आप लोग इसलिए अगला वीडियो देखने आए हो या फिर किसी का भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हो। तो गाइस देखो, उसका रीज़न ये कि आप लोग अच्छे से समझ नहीं रहे हो, इसलिए आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है। आपका एक हाई डिवाइस होने का बावजूद भी आपका नहीं लग रहा है, और बहुत जन का तो ऐसा डिवाइस है कि उसकी वजह से उस लोगों का हेडशॉट ही नहीं लगता है। तो ऐसे आपका हाई डिवाइस हो या फिर लो डिवाइस हो, ये वीडियो अगर अच्छे से आप लोगों के पास देख लो ना, तो इसमें कुछ सीक्रेट टिप बताऊंगा, जो सीक्रेट टिप सब आप यूज करके आप एकदम ऑटो हेडशॉट मार पाओगे, डिजिटल डिवाइस से ऑटो हेडशॉट लगेगा गाइस आपका, ठीक है। एंड ऐसा ट्रिक गाइस आपको पूरा यूट्यूब में कोई भी नहीं सिखाया होगा वन टैप के लिए डिजिटल डिवाइस से। चलो गाइस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, उससे पहले और एक बात गाइस, अगर आप लोगों को डायमंड चाहिए, डीजे अलॉक चाहिए, रिडीम कोड वगैरह चाहिए, तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैसेज करो, जो सबसे पहले जाकर मैसेज करेगा जो टॉप 5 मैसेज होगा तो मैं उनमें से किसी को डायमंड एंड डीजे अलॉक देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड जो बाद में मैसेज करेगा उस लोगों के लिए भी रिडीम कोड है, रिडीम कोड हर कोई का लिया है, ठीक है, जो जो भी मैसेज कर सकते हो आपको रिडीम कोड मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का, जाके मेरे को फॉलो करो, ठीक है। तो चलो गाइस आप लोगों को बताया तो डीजे डिवल से वन टाइम हेडशॉट मारने का सीक्रेट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो गाइस बेसिक है, लास्ट में आपको सब इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो बेसिक सब भी आपको करके रखना है, क्योंकि आफ्टर अपडेट के बाद बहुत सारा सेटिंग चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले अपना सेटिंग पे आना है, देन यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग पे आ जाना है, देन यहाँ पर आपको जो जितना भी है ना जनरल एंड रेड डॉट, ये दोनों को आपको ऑलवेज जो है 100 पे रखना है, कोई कुछ भी बोल दे दोनों को 100 ही रखना है, ठीक है। यहीं पर आपको और एक सेटिंग करना है, कंट्रोल पे आ जाना है, देन यहाँ पर जो आपको क्विक वेपन स्विच दिख रहा है इसको ऑन करके रखना ही है, नहीं तो आपको कोई भी अच्छे से वन टैप नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी का टाइम पे इसको ऑन करके नहीं खेलते हो ना, तो सच में आप इसको ऑन करके खेलो, उसके बाद आपको ना इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो क्विक वेपन स्विच जो है इसको ऑन करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वन टैप के लिए अभी के टाइम पे, क्योंकि आप अगर मूवमेंट करके वन टैप नहीं मारोगे ना तो आपको क्या फायदा, ये ला रहने से आपको बहुत इजीली वन टैप लगेगा। एंड गाइस फायर बटन साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, देखो आपका फायर बटन साइज जो है 60 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर 60 से ज़्यादा बड़ा करोगे तो यहाँ पर ड्रैग करने का स्पेस नहीं मिलेगा, एंड अगर 40 से छोटा कर दोगे ना तो यहाँ पर आपको जो है थंब फिंगर में टच करके ड्रैग करने में प्रॉब्लम होगा, टच ही नहीं होगा सही से। तो आपको ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, 40 से 60 का अंदर रखना है। तो ये वाला सबसे पहले सेटिंग इसको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। देन आपको सेकंड सेटिंग भी बता दूंगा, तो वो सबसे पहले कर लो आप लोग, ठीक है। सो गाइस चलो बढ़ते हैं सेकंड टिप्स का ऊपर, तो सेकंड टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छा से समझना, ठीक है। सो गाइस आप लोग फायर या फिर ड्रैग जो करते हो ना गलत तरीका से, जैसे कि आप लोग खड़ा होकर कहीं डायरेक्ट ड्रैग करते रहते हो, या फिर रनिंग में बंदा देखते हो सामने डायरेक्ट ड्रैग कर देते हो स्ट्रेटली सीधा फायर बटन को एकदम पकड़ के सीधा ड्रैग करते हो, तो वो वाला नहीं करना है, वो गलत होता है। आपको क्या करना है इस जगह में, तो इस जगह में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ही करना है राइट साइड रोटेट ड्रैग, ठीक है। तो कैसा करना है आपको दिखा देता हूँ, देखो आपका फायर बटन को गाइस आपने एकदम नीचे से प्रेस करना एंड राइट साइड से ड्रैग करके ऊपर तरफ टानना, ठीक है। और वो कुछ ना वी टाइप का जैसा होगा, मतलब यू टाइप का जैसा, ठीक है, देख लो आप कैसे होगा। यहाँ स्लो मोशन में भी आपको दिखाऊंगा, मेरा स्क्रीन में पॉइंटर लोकेशन पूरा दिख रहा है, अच्छा से आपको समझाने के लिए मैं ये लाइन ऑन किया था, ठीक है। तो देखो जैसे बंदा देखा मैंने रन किया, रन करते एकदम देखो सामने है, इसको भी हेडशॉट लगेगा, कैसा सामने वाला बंदा को मारा देखो, ठीक है। देखो मेरा फायर बटन का यहाँ देखो लोकेशन पूरा दिख रहा है, मैं किस तरीका से ड्रैग किया, यहाँ पर पूरा जो कर्सर है देखो मैं पूरा अच्छा से दिखाई दे रहा। आपको फायर बटन को एकदम नीचे पकड़ना है, राइट साइड से घुमा के ऊपर तरफ लेना है, जैसा ही आपका थंब ऊपर तरफ पूरा पहुंच जाएगा आपको क्विक वेपन स्विच टैप कर देना है। ऐसा ही करते करते आपका हेडशॉट जरूर से जरूर लगना स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी शॉर्ट रेंज में बंदा हो उसको हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। तो गाइस आपको ये वाला ट्रिक कैसा लगा, आपको जरूर से जरूर एक लाइक इसका लिए गाइस आपको बनता है, इतना मेहनत का ये आप लोगों के लिए लेके आया गाइस, ठीक है। सो गाइस नंबर 3 जो टिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस नंबर 3 आप लोग सोचते हो ना कि एमिंग कहाँ पर रखे, कौन से एम करे, कहाँ पर एम रख के मारे तो वन टैप लगेगा। देखो गाइस आप लोगों का ये भी डाउट होता है कि रेड एम सही है कि वाइट एम सही है, तो वो बता देता हूँ, उसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस अगर आपका बहुत ही एनिमी सामने है, मतलब क्लोज पे है, तो एम जो है यहीं पर ही रखना है आपको, आपको एकदम बॉडी में चिपकाना नहीं है, थोड़े दूर दूर रखना है, ठीक है। अगर आपका एम एकदम सामने रहेगा तो आपका जो है बॉडी पे चिपक जाएगा, हेडशॉट नहीं लगेगा, रेड हो जाएगा, तो ठीक है। तो आप कोशिश करना एम को थोड़ा दूर रखने का एंड रोटेट करके डायरेक्ट ड्रैग करने का, ठीक है, आपका हेडशॉट लग जाएगा। और दूर में रहने से आप रेड करके मारना, आपका हेडशॉट लग जाएगा, जितना भी दूर रहे आप एम को एकदम रेड कर देना, रेड करके ड्रैग करना, हेडशॉट लग जाएगा। सो गाइस डिजिटल ईगल का यही फंडा अगर आप लोग समझ जाओगे ना कि रेंज का, तब आपका हेडशॉट जरूर से जरूर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और एमिंग का, ठीक है। देखो गाइस अगर आप एकदम बहुत दूर हो एनिमी का तो ऐसे रेड कर लेना, रेड करके हल्का से ड्रैग करना सीधा, एकदम स्ट्रेट ड्रैग करना, हेडशॉट लगते रहेगा, आराम से हेडशॉट लगेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप एकदम सामने हो जाओगे ना एनिमी का, एकदम क्लोज आ जाओगे, तो वहाँ पर आपका जो एम है एकदम रेड मत करना, वाइट रखना, वाइट एम रख के एकदम रोटेशन ड्रैग करना, हेडशॉट लगेगा। तो भाई अच्छा से याद रखो, हर बार बोल रहा हूँ, एनिमी जब क्लोज रहेगा तो आपको एम को वाइट करके रोटेशन ड्रैग करना है, ठीक है। एंड आपका जब एनिमी बहुत दूर रहेगा तो आपको एम को रेड कर लेना है, रेड करके सीधा ऊपर ड्रैग कर देना है, हेडशॉट लग जाएगा इजीली।
सो इस चार नंबर एक आप लोगों का मिस्टेक है, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है एंड आपको वन टैप उसलिए लगता भी नहीं है। कंटिन्यूसली फायर गाइस, तो आप लोग अगर कंटिन्यूसली इसे फायर करते रहोगे ना तो वन टैप हेडसेट तो लग जाता है, लेकिन क्या होता है इससे एक नूब जैसा फीलिंग आता है। इससे आपका वन टैप नहीं लगता पर हेडसेट लग जाता है, पर अभी का टाइम पर इसी कोई हेडसेट नहीं मारता, ठीक है। तो आप लोगों को जंप करके क्विक वेपन स्विच से स्विच करके आराम से वन टैप मारना, जैसे मैंने पूरा वीडियो में बताया, एंड जितना हो सके गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना, प्रैक्टिस करना, तभी जाके आपका भी वन टैप लगना स्टार्ट हो जाएगा। 15-20 दिन आप ट्रेनिंग में खेलो, देखो उसके बाद से आपका जैसे लगना स्टार्ट हो जाएगा वन टैप, ठीक है। अगर नहीं लगता तो फिर आप बाद में आके बताना। एंड गाइस इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं करते जाके फॉलो करो एंड मैसेज भी करो अगर आपको रिडीम कोड चाहिए तो, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। बाय बाय गाइस।